ओके बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 17.4. 17.4 की जो स्टेटमेंट है वो है ड्रॉ अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड देन डिफाइन द टर्म्स इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट एंड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. बच्चों ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मैंने जो है डक्टाइल मटेरियल की पहले बना ली है ताकि हमारी जो वीडियो लेंथी ना हो सके. ठीक है, तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है डक्टाइल मटेरियल्स की. अलोंग द एक्स एक्सिस हमने लिया है स्ट्रेस को और अलोंग द वाई एक्सिस हमने लिया है स्ट्रेन को. ठीक है, तो बच्चों डक्टाइल मटेरियल जो हैं उनकी जो स्ट्रेस पॉइंट है जहाँ तक उनको हम उन पे अगर हम स्ट्रेस लगाएं और दोबारा उसको छोड़ दें तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, यानी कि टेम्प्रेरी डिफॉर्मेशन उनके अंदर आता है. जस्ट लाइक रबर, अगर आप रबर को खींचें तो उसकी खींचते जाए तो उसकी लेंथ, स्ट्रेस लगाते जाए तो उसकी लेंथ में इजाफा होता है, जस्ट लाइक स्प्रिंग. ठीक है, या कोई डक्टाइल मटीरियल लाइक दिस, ये भी थोड़ा बहुत डक्टाइल है, इसके ऊपर मैं स्ट्रेस लगाता हूँ. ठीक है, स्ट्रेस जैसे रिमूव करता हूँ तो जब तक स्ट्रेस लग रही है इसके अंदर टेम्परेरी डिफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, टेम्परेरी ये डिफॉर्म होगी लेकिन जैसे ही स्ट्रेस में हटाता हूँ दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है. तो वो पॉइंट हमारे पास जहाँ पे अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करें उस पॉइंट से पहले तक अगर वो बॉडी दोबारा फिर जो है अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाए तो वो उसकी कहलाती है लिमिट, इलास्टिक लिमिट. यानी यहाँ से यहाँ तक जो है आपके पास इलास्टिक लिमिट है आपकी, इलास्टिक लिमिट. ठीक है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है आपकी ये शो कर रही है आपकी इलास्टिक लिमिट को, और वो पॉइंट जहां पे इलास्टिक लिमिट खत्म होती है और आपके बॉडी के अंदर जो आपकी डक्टाइल बॉडी है उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है, ये पॉइंट उसका कहलाता है प्लास्टिक लिमिट का, प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिसिटी भी कहते हैं. ये जो कर्व यहां तक बनी हुई है ये प्लास्टिक लिमिट, और यहां तक जहां तक बॉडी जो है इंड्योर कर सके. ठीक है, वो उसकी कहलाती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ. ओके, और वो पॉइंट जहां पे बॉडी दोबारा फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए आफ्टर अप्लाइंग द स्ट्रेस, उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ होगा वो उसका इलास्टिक स्ट्रेन होगा और वापस आ जाएगी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, लेंथ के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, और वो पॉइंट इसका कहलाता है यील्ड पॉइंट. ठीक है, यील्ड पॉइंट के बाद जो है प्लास्टिक रीजन आ जाता है, प्लास्टिक लिमिट आ जाती है, और ये प्लास्टिक लिमिट जो है ये फ्रैक्चर पॉइंट तक जाती है. ठीक है, और यील्ड पॉइंट से आगे जितना भी रीजन आता है वो सारे का सारा परमानेंट डिफॉर्मेशन कहलाता है. वो क्या कहलाता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन. तो इलास्टिक लिमिट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस जो कि कोई भी मटेरियल इंड्योर कर सके, बियर कर सके. ठीक है, और उस स्ट्रेस को हटा दिया जाए तो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाए, ओरिजिनल शेप में आ जाए, ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाए, ओरिजिनल लेंथ में आ जाए, तो वो उसकी कहलाती है इलास्टिक लिमिट. तो ये इसकी इलास्टिक लिमिट है और ये इसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी है. और यील्ड पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो है मटेरियल जो है उसके आगे ज़्यादा उसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए, या उस पॉइंट से आगे जो है स्ट्रेस लगाएं तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाए, उसकी जो स्ट्रेन है वो फ्लो अवे हो जाए, यहाँ तक जो स्ट्रेन है वो फ्लो अवे हो जाए, दोबारा वो अपनी ओरिजिनल शेप में, लेंथ में, या उसके वॉल्यूम में ना आए, वो कहलाता है उसका यील्ड पॉइंट. उसके बाद उसका दिया गया था अल्टीमेट, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस. अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस हमारे पास वो नॉमिनल स्ट्रेस होती है जो कि बॉडी जो है अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद जो है फ्रैक्चर पॉइंट तक उसको बर्दाश्त कर सके, इंड्योर कर सके, विद स्टैंड कर सके, जो मर्जी लिख लें. जो कि हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस होती है किसी भी मटेरियल की जहां तक जो मटेरियल जो है वो विद स्टैंड कर सके, यानी बिफोर फ्रैक्चर पॉइंट. ठीक है, तो वो कहलाती है इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. तो इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट वो आपको पता चल गई. उसके बाद क्या था? यील्ड पॉइंट. उसके बाद था अल्टीमेट स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस. तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है उसकी जो चेंज इन लेंथ आनी है, यानी कि जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसकी, उसके बाद जो है उसके आगे उसके यील्डिंग यानी कि उसके फ्रैक्चर पॉइंट तक जो स्ट्रेस अप्लाई होगा वो उसका कहलाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कहलाएगा. या हम इसे कहेंगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस अ मटेरियल एट विच
it withstand at which it can endure bear out. उसको हम नाम देते हैं उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का, या इसको नॉमिनल स्ट्रेस का नाम भी दिया जाता है. एक और इसका नाम है वो है नॉमिनल स्ट्रेस. दो नाम है इसके, एक तो हो गया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस और एक इसका नाम है नॉमिनल स्ट्रेस. ठीक है, तो बच्चों आपको इनका पता होना चाहिए. ये आपको जो ये डक्टाइल मटेरियल्स की जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो आपको ड्रा करनी आनी चाहिए. एक्स एक्सिस के अलोंग आपने स्ट्रेन लेना है, वाई एक्सिस के अलोंग आपने स्ट्रेस लेना है, और इलास्टिक लिमिट तक जो है वो बॉडी का जो पॉइंट जिससे इलास्टिक लिमिट ख़त्म होती है वो पॉइंट जो है उसका कहलाएगा यील्ड पॉइंट. उसके बाद उससे पहले पहले जो रीजन कहलाता है उसका वो कहलाता है इलास्टिक रीजन या इलास्टिक लिमिट, और टेम्परेरी डिफॉर्मेशन कहलाती है. और उस पॉइंट से आगे जो है प्लास्टिसिटी आ जाती है, प्लास्टिक लिमिट आ जाती है, और उसकी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है उसके बाद जो है बॉडी फ्रैक्चर पॉइंट की तरफ या फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती है. एट लास्ट जो उसके एटम्स मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से स्लिप अवे हो जाते हैं, अवे हो जाते हैं, और बॉडी जो होती है वो क्या हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है वहाँ पे आगे. ठीक है, और अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेस है आपके पास वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद आता है, वो उसकी लेंथ के अंदर जो जो इजाफा होता है या कह लें कि उसकी लेंथ में जो चेंज आता है, या आप ये कह लें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो बॉडी क्या कर सके बिफोर फ्रैक्चर, मैक्सिमम स्ट्रेस आफ्टर यील्डिंग पॉइंट, आफ्टर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट, वो बॉडी जो कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ उसको क्या करे, विद स्टैंड कर सके, इंड्योर कर सके, बर्दाश्त कर सके, बियर कर सके, उसको नाम देते हैं हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस का या नॉमिनल स्ट्रेस का नाम देते हैं. ये तमाम अल्फाज जो हैं, इन तमाम वर्डिंग को आप अपने जो वर्डिंग है उसके अंदर यूज़ करके आप पैराग्राफ बना सकते हो, सेंटेंसेस में लिख सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं वो है 17.5, उसको देखते हैं जी. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करने जा रहे हैं वो है 17.5, तो 17.5 देखते हैं. पहले ये मैं बंद कर लूँ. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 17.5. 17.5 की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ. जी सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेन एनर्जी. स्ट्रेन एनर्जी, बच्चों स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी किसी भी मटेरियल्स जो है आपको पता है एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन से मिलके बना हुआ है. ठीक है, हर मटेरियल जो एटम से मिलके बना हुआ है. ठीक है, या हर मटेरियल जो है मॉलिक्यूल्स है, सॉलिड है तो सॉलिड एटम्स होंगे, मेटल मेटल्स की बात करें मेटल्स की तो हमारे पास आयन्स हो गए, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन्स, गैस की बात करें या लिक्विड की बात करें तो हमारे पास क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी जो है हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टोर्ड हुई होती है, अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हमने अमाउंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है मटेरियल के अंदर, इन मटेरियल्स. अब मटेरियल्स के अंदर कैसे स्टोर्ड होगी, क्योंकि मटेरियल्स जो है वो मिलके बना है एटम्स से, आयन से, मॉलिक्यूल से, तो उनके एटम्स आयन्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्चुअली जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम नाम देते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो उनके एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स के अंदर स्टोर होगी जब उस पर हम स्ट्रेस लगाएंगे. ठीक है, जब उस पर स्ट्रेस लगेगा यानी कि उस पर फोर्स लगेगी तो उसके आयन्स मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिस्प्लेस होंगे. इन मटीरियल्स डिस्प्लेसेस मॉलिक्यूल्स अवे द मीन पॉइंट. अब मीन पॉइंट से क्या मुराद है, मीन पॉइंट अवे द मीन पॉइंट. अब मीन पॉइंट का मतलब यह है कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक अपने मीन पॉइंट के अबाउट जो है वो अपने आप को अरेंज किए हैं. अब इस पर अगर हम स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, अगर यहां पे अगर हम स्ट्रेस लगा देते हैं, ठीक है, इधर से स्ट्रेस लगाते हैं या इधर से स्ट्रेस लाइक हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं. ठीक है, अगर यहां पे हम स्ट्रेस लगाते हैं इसी तरह, जिस तरह मेरे पास ये मार्कर, इस पर मैं स्ट्रेस लगाऊं,
ठीक है, कोई भी लास्टिक जो डक्टाइल बॉडी है उसके ऊपर स्ट्रेस लगाओ तो इसके पार्टिकल्स जो हैं ये डिस्प्लेस हो जाएंगे मेन पॉइंट से. हर एक का मेन पॉइंट है, इन मेन पॉइंट से ये क्या हो जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे. ठीक है, अवे हो जाएंगे. तो हुआ क्या कि मैंने इस पर फोर्स लगाई और इसमें एक्सटेंशन आ गई. ठीक है, तो एक्सटेंशन का मतलब ये है कि जो इन पार्टिकल्स के अंदर जो है, इनके मेन पॉइंट के अबाउट जो है, यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर थी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो मटेरियल्स के अंदर स्टोर थी, मैंने क्या किया, उन पार्टिकल्स को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया. अगर मैं डिस्प्लेस करता हूँ उन पार्टिकल्स को उनके मेन पॉइंट से, ठीक है, तो वो क्या करता हूँ कि वो उतनी ही मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी उनको डिस्प्लेस करने के लिए, उनके पॉइंट जितनी उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी. ठीक है, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर होती है उन पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है, जो कि हम डिस्प्लेस करते हैं, अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो हमें उतनी ही फोर्स लगानी पड़ेगी जितनी कि उनके अंदर एनर्जी है. यानी कि वो ऐसे ही है जैसे कि दो बंदों ने अपना हाथ पकड़ा हो और कोई उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश करे, ठीक है, तो उसके पार्टिकल, जो दो पार्टिकल्स हैं उनमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है उसके इक्वल ही उसे एनर्जी लगानी पड़ेगी ताकि उनको डिस्प्लेस किया जाए. तो वो एक्चुअली वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किन के अंदर, मटीरियल के अंदर, ठीक है, जो के डिस्प्लेस करती है मॉलिक्यूल्स को कहां से, उनके मीन पॉइंट से. उसको नाम देते हैं हम किसका, स्ट्रेन एनर्जी का, या इसकी डेफिनेशन लिखते हैं द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल ड्यू टू द डिस्प्लेसिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन और अवे द मीन पोजीशन. उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन एनर्जी का. और बताओ स्ट्रेन एनर्जी जो है हमारे पास इक्वल होती है, स्ट्रेन एनर्जी, ये हमने टॉपिक भी पूरा पढ़ा था, 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ. ठीक है, 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये आपके टॉपिक जो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल्स के नाम से है, जिसमें हमने ग्राफ जो था फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ जो है वो भी देख लेते हैं. ये ग्राफ पहले से बना था हमारे पिछले क्वेश्चन का, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं. ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो है हम लेते हैं एक्सटेंशन को, लेंथ को, यानी के ये एक्सटेंशन आ जाएगी, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं फोर्स को, इस तरफ क्या आ जाएगी, फोर्स. ठीक है, अब बच्चों हमने पढ़ा था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, ये इसकी इलास्टिक लिमिट थी, ये पॉइंट यील्ड, यानी यील्ड पॉइंट तक जो है, उसके यील्ड पॉइंट तक अगर उसके अंदर जो एक्सटेंशन आती है, जो स्ट्रेन आता है एक्चुअली उसके अंदर, ठीक है, वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर आता है, तो अगर हम वो फोर्स उठाते हैं तो बॉडी दोबारा फिर क्या करती है, अपने आप को ओरिजिनल पोजिशन में लाने की कोशिश करती है, ओरिजिनल पोजिशन पर आ जाती है. और उस पॉइंट से आगे जहाँ से उसके अंदर प्लास्टिक रीजन आ जाता है, प्लास्टिसिटी आ जाती है. ठीक है, अल्टीमेट यील्ड स्ट्रेंथ के बाद जो है, या आप इसको कहते हैं प्लास्टिक रीजन भी कह सकते हैं, ये आपके पास यहां तक जो लिमिट है आपकी, ये है इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट. ठीक है, यानी यहां तक है इलास्टिक लिमिट, और इससे आगे जो है वो है प्लास्टिक लिमिट या प्लास्टिक रीजन. यानी कि इलास्टिक लिमिट तक जो है जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, या इलास्टिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, अब फोर्स कह लें यहाँ तक जो अप्लाई की वो है F1, और ये जो एक्सटेंशन आया उसको कह दें L1. तो ये आपके पास F1 और L1 जो कि स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा. ये ऐसे ही है जैसे आप इलास्टिक को खींचते हो एक सिरे से, उसको पकड़ी रखते हो, जैसे छोड़ते हो तो वो एनर्जी, आप क्या किया था आपने कि जो इलास्टिक थी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल से, एटम्स से, उनकी जो मीन पॉइंट के अबाउट हर एक एटम्स के, हर मॉलिक्यूल्स के जो एनर्जी स्टोर थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी. आपने उनको, उन एटम्स को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन आयंस को डिस्प्लेस किया आफ्टर अप्लाइंग फोर्स. ओके, जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो आप उतनी ही एनर्जी दोगे जितनी की, यानी उतनी ही एनर्जी अप्लाई करोगे उनको डिस्प्लेस करने के लिए उनके मीन पॉइंट से अवे, जितनी कि उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, स्टोर है. ठीक है, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक आप खींचते हो तो उसको छोड़ते हो, दोबारा फिर वो अपनी एटम्स, मॉलिक्यूल्स अपने मेन पॉइंट पे जाते हैं. ठीक है, सो वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है एक्चुअली, उस एनर्जी को नाम देते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी का. ठीक है, तो स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास है 1/2 फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ.
तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपने बस इतना ही करना है, ये फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है हमारा जो उसने कहा था, यहां लिख लें फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। सो दिस इज फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ और दिस इज स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी याद रखिएगा हमेशा, इलास्टिक लिमिट के अंदर जो एनर्जी होती है वो हमारी कहलाती है स्ट्रेन एनर्जी।